अच्छा, इसमें एन एलिमेंट डेल्टा एल डेल्टा एक्स आई के इस प्लेस एट द ओरिजिन, प्लेस एट द ओरिजिन एंड कैरीज ए लार्ज करंट आई इक्वल्स टू 10 एम्पीयर। ओके, तो आई के वैल्यूज कितना है? 10 एम्पीयर है। ओके, तो द मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर। ओके, तो तुम्हारा B cost होता है mu not upon 4 pi I dl sin theta upon r square, ये होगा 10 to the power minus 7, I के वैल्यू 10 एम्पीयर, dl जो है ये कितना है 1 सेंटीमीटर, 1 into 10 to the power minus 2 मीटर। ओके, 1 into 10 to the power minus 2 sin theta, ये कितने एंगल कर रहे हैं 90 डिग्री। ओके, sin 90 डिग्री, थीटा यहां पे कितना 90 डिग्री, आई और डीएल के बीच में जो एंगल है दैट इज 90। ओके, और आर के वैल्यू जो है डिस्टेंस जो है आर वो कितना 0.5 मीटर और सेंटीमीटर क्या दिया था 5 मीटर, तो 0.5 मीटर दिया सेंटीमीटर मीटर ना, एक बार उसको चेक कर देता हूँ, एनसीईआरटी क्वेश्चन था ना। ठीक है, जीरो पॉइंट फाइव का होल स्क्वायर ना, जिसके वैल्यू ज्यादा आएगा 10 टू दी पावर माइनस 7 माइनस 7 माइनस 9 दैट इज 10 टू दी पावर एट माइनस 8 अपॉन 25 इंटू 10 दी पावर माइनस 2, तो आ जाएगा 10 टू दी पावर माइनस 6 अपॉन 25। ओके, हंड्रेड इंटू 10 टू दी पावर माइनस 8 अपॉन 25 दैट इज 4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 8 टेस्ला। ऑप्शन आएगा That will be option is D. ठीक है, आ गया ना बेटा, आ गया समझ में? ओके, ठीक है।